हेलो गाइस, वेलकम टू माय सीरीज। और मैं हूं रूट। और आज की इस वीडियो में जितने भी लोग एक वाईफाई पे कनेक्ट होंगे वो सबको डिसकनेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। वाईफाई पे नहीं, चैनल पे बोल सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल नंबर 1 है या फिर चैनल नंबर कोई भी हो तो सारे के सारे जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, वो है MDK 3, ठीक है। MDK 4 भी ले सकते हो, दोनों डी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो मैंने बेसिकली वो चीज़ इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपना इंटरफेस जो है वो चेक कर लेते हैं। सुडो एरमोन ng, सो एंटर। तो अभी मेरा WLAN 0 है। तो अब मुझे इसको मॉनिटर मोड में लेके जाना है, तो स्टार्ट WLAN 0 कर दूंगा। तो जो अब इंटरफेस है, जहाँ पे WLAN 0 लिखा है, इंटरफेस पे चेक करो, वो WLAN 1 हो जाएगा, यानी कि WLAN 0 है वो मॉनिटर मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली मॉनिटर मोड में आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एरो डंप करूँगा, यानी कि जितने भी वाईफाई नेटवर्क हैं उसे ठीक से, यानी कि थोड़ा एडवांस मॉनिटर करने के लिए मैं एरो डंप ng WLAN 0 mon ये कमांड का यूज़ करूँगा। एरो डंप ng इसी यूज़ में आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा डिवाइस है वो रूट नाम के वाईफाई पे कनेक्टेड है। तो उसकी BSS ID है समथिंग B24E, और जो सुधा है ना उसकी भी सेम BSS ID है, चेक कर लो आप, ठीक है। तो दोनों सेम है। और एक बात बताऊं कि ये सारे के सारे लिंक वे को छोड़ के सारे जो है वो चैनल नंबर 1 पे रन कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं रूट को डिसकनेक्ट करने जाऊँ ना, तो जो सुधा और Vivo 1724 है वो दोनों के दोनों डिसकनेक्ट करवा देगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं MDK यहाँ पे डिसकनेक्ट करवाता हूँ। MDK 3 जो कि मैंने टूल इंस्टॉल कर रखा है, WLAN 0 mon जो कि मेरे इंटरफेस का नाम है, D4 डी ऑथेंटिकेशन, C4 चैनल नंबर 1, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे डिस्कनेक्ट थोड़ी देर में हो जाएगा। सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग इससे कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे चैनल नंबर 1 से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्पेसिफिक बंदे को आप डिस्कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसे एक बार कनेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया। सो थैंक यू गाइस।